तो आइए फ्रेंड्स, जो हमने सीपीसीबी और गामा के कंसेप्ट को समझा है उस पर बेस्ड हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, पहला चीज आपको ये बोला हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड है। वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, टू वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर एसएससीजी के एग्जाम्स में पूछा हुआ था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पहले भी आपके पीएसयूस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अगर आप देखेंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही देखे जो सॉलिड और लिक्विड के लिए सीपी और सीवी क्या होता है, सेम होता है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या होगा, सीपी इक्वल टू सीवी होगा। कहानी क्लियर है? और यही चीज अगर हम लोग बात करते हैं गैस के लिए, तो गैस के लिए हमने देखा है सीपी इज ग्रेटर देन क्या होता है, सीवी। तो अगर आपसे सॉलिड और लिक्विड के लिए बोलेगा तो नो डाउट वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट है, और यही चीज अगर आपसे गैस के लिए बोलेगा तो टू वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट और ये जो टू वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट है किसके लिए, ये है आपका गैस के लिए। कहानी क्लियर है यहाँ तक? चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है 2016 कूल इंडिया में देना स्टार्ट किया था, और उसके बाद तब से ये जो क्वेश्चन है कम से कम 5 से 6 बार आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। और ये जब कूल इंडिया पेपर दिया था तो देखने के बाद तो समझ ही नहीं आया था कि क्वेश्चन का कहानी क्या है। ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया गया था इस क्वेश्चन को लेके। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ पहले मैं बताता हूँ कि ये जब क्वेश्चन दिया गया तो देखो पूछा क्या है आपको, पहले ये पता चल जाए। आपको पूछा है सीपी ऑफ एयर, तो सीपी ऑफ एयर जो है ये आपको पता है कितना होता है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, पहला चीज इस क्वेश्चन का खासियत है कि कहीं भी इसने यूनिट वगैरह कुछ नहीं दिया है। जब यूनिट नहीं देता है तो हम लोग एसआई यूनिट प्रीफर करते हैं। अगर आप एसआई यूनिट की तरफ भी मूव करोगे तो ये आपका किलो जूल जो वो जूल बनेगा, वही एसआई यूनिट है। तो अगर आप उसकी तरफ भी मूव करते हो तो उस हिसाब से तो 1005 जूल पर केजी केल्विन आना चाहिए, लेकिन ये भी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ समझ में आया, एसआई यूनिट के बाद भी ये पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन का कहानी क्या है। ठीक है, तो उसके बाद कहानी कुछ ये बना यहाँ से कि ये जो इसने यूनिट लिया हुआ है वो यूनिट इसने कुछ चेंज किया हुआ है, और यूनिट जो चेंज किया हुआ है वो किस यूनिट में लिया है देखिए बात करते हैं। अगर आपको सीधा सीधा ये चीज पता हो क्या, 1 कैलोरी जो होता है डेट इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। कहानी क्लियर है? तो अगर मान लीजिए सपोज यहां पर जैसे किलो जूल है, तो मान लीजिए मैं 1 किलो जूल की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 4.18, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, 4.18 किलो जूल को 1 किलो कैलोरी लिखा जा सकता है। तो अगर आप 1 किलो जूल को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 4.18, और 4.2 भी लिख सकते हो किलो कैलोरी। ठीक है, अब आप ये जो सीपी ऑफ एयर है, इस सीपी ऑफ एयर की जब वैल्यू निकालेंगे इस यूनिट पे निकालिए, ये क्या बनेगा 1.005, डेट इज द सीपी ऑफ एयर। ठीक है, और डिवाइड बाई अगर आप इसको 4.18 कर दोगे तो ये तो आपका बन रहा था किलो कैलोरी, नीचे वाला यूनिट तो सेम रहेगा पर केजी केल्विन। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0.24। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये काफी खोजबीन के बाद पता चला था। जो आरके जैन बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो आरके जैन बुक में क्या किया है, उसने पहले कुछ सॉल्व किया एग्जाम्पल्स। तो जो उसने एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसमें बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया है, जो यूनिट है वो हमेशा वो किलो कैलोरी में लेके ही चला है। उसके बाद जब आप उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आएंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो उसने क्या है, जो एग्जाम्पल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को बनाए। तो यहाँ पर आरके जैन की गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो अपना एग्जाम्पल दिया और वो अपना शुरू से जो अपना यूनिट फॉलो कर रहा है उस यूनिट को उठा के दे दिया। लेकिन बदतमीजी तो उस टाइम हो गई कि जब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में उठा के दे दिया, और जब एग्जाम में उठा के दिया तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या यूनिट है। तो सम टाइम्स इस तरीके की बदतमीजी होती है, और यहाँ पर आपको फिर अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीपी की बात करोगे तो यही हम लोग जानते हैं, किलो जूल नहीं दिया है तो हम लोग बेसिकली नॉर्मली हम लोग कौन सा यूनिट प्रीफर करते हैं, एसआई यूनिट प्रीफर करते हैं। लेकिन इस तरीके की अगर चीजें आ जाती है तो देखिए इस तरीके की चीजों में आपको यूनिट कन्वर्जन फिर से आ जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन आपका है ठीक इसी तरीके से जैसा ये सीपी है। मैं सीवी के लिए भी बात कर लेता हूँ, अगर जैसे सीवी की बात करें तो सीवी इक्वल टू क्या होता है, 0.718 यूनिट क्या बनती है, किलो जूल पर केजी केल्विन।
तो यहाँ पे अगर आप सी वी निकालोगे तो सी वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 0.718 और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 4.18। यूनिट बताओ क्या बन जाएगा, ये आपको बना किलो कैलोरी पर के जी कैलविन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आई थिंक 0.17, ठीक है, हाँ 0.17 किलो कैलोरी पर के जी कैलविन, ये आपको मिलेगा सीवी की वैल्यू। तो कहानी कुछ समझ में आया, सीपी की क्या कहानी क्लियर है, सीवी की कहानी क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से अच्छा गामा निकालोगे तो गामा भी चेंज हो जाएगा क्या, जैसे गामा अगर निकालेंगे तो गामा क्या होता है सीपी बाई सीवी, तो भैया इसको आप क्या डिवाइड कर रहे हो ना, तो यूनिट का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो गामा आपका एग्जैक्टली वही आएगा 1.4 एयर के लिए, ठीक है। मतलब गामा के साथ कोई भी, क्योंकि गामा तो यूनिट लेस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, फर्क आपको सीपी और सीवी को पड़ना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आना स्टार्ट हो गया है, 3 साल से कंटिन्यू ये यहाँ से एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।